Hello and welcome everyone. I am S.K. Nigam, your chemistry teacher, and in today's session we would be learning some concepts of chapter number 3 of NCERT chemistry class 12th, that is electrochemistry. So in this session we will consider some concepts of batteries, their types, for example primary batteries, secondary batteries, and some examples of primary and secondary batteries. So let's begin and stay tuned. So today's first topic is batteries. So what are batteries? Batteries are actually when two or more than two galvanic cells are connected in series, then batteries are formed. Okay, so you can say batteries are the group of galvanic cells. And what are galvanic cells? All these topics we have discussed earlier. Galvanic cells are those devices in which electrical energy are produced by the performance of any spontaneous chemical reaction. Okay, so when a group of galvanic cells are there, then batteries are formed. Batteries are of two types. So in Hindi, batteries hain kya? Agar aap do ya do se zyada galvanic cells ko series mein connect karte ho, to wo batteries kehlati hain. Okay, batteries do tarah ki hoti hain. Ek hai primary battery aur dusri hogi aapki secondary batteries. So what is the difference, basic difference between primary and secondary batteries? Primary batteries are those batteries which cannot be recharged, not recharge. Okay, means aisi battery jinko aap recharge nahi kar sakte ho. When it means ki when they are performing their chemical reaction, these chemical reaction cannot be reversed. Okay, so they cannot be recharged. And ये जो बैटरी सेकेंडरी होती हैं, दे रिचार्जेबल होती हैं, दे कैन बी रिचार्ज. तो प्राइमरी बैटरीज रिचार्ज नहीं हो सकती हैं और सेकेंडरी बैटरी हमारी रिचार्ज हो सकती है. इसका बेसिक एग्जांपल हमारा ड्राई सेल है, जो हम अपने घरों में बहुत इस्तेमाल करते हैं. और इसका दूसरा एग्जांपल है मर्करी या बटन सेल. और इसके एग्जांपल जो हम डिस्कस करेंगे आज, वो है लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम बैटरी. ओके, तो इस तरीके से ये टोटल चार बैटरीज हम आज पढ़ेंगे, ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल, लेड स्टोरेज, निकल कैडमियम बैटरीज. ओके, तो ये तो हो गया जनरल डेफिनेशन रिगार्डिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज. क्या होती हैं प्राइमरी बैटरीज? जो रिचार्ज नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन दे आर सम आयंस विच आर लॉस्ट, जो आप दोबारा से रीगेन नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से ये रिचार्जेबल नहीं होती हैं. जबकि सेकेंडरी बैटरीज में ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनको आप रिवर्स कर सकते हो. ओके, तो वन बाय वन हम प्राइमरी हम डिस्कस करेंगे. पहली हमारी हेडिंग, दैट इज प्राइमरी सेल. तो प्राइमरी सेल में हमारा प्राइमरी बैटरी में आएगा पहला हमारा ट्राई सेल. ट्राई सेल को हम एक और नाम देते हैं, इसको हम लैकलैंसे सेल भी बोलते हैं, लैकलैंसे सेल. तो ये लैकलैंसे सेल क्यों कहलाता है? क्योंकि लैकलैंसे नहीं, जी लैकलैंसे इन 1868 इन्होंने इसको सबसे पहले इन्वेंट किया था, इसलिए इसका नाम लैकलैंसे सेल भी है. ओके, इसका डायग्राम अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो. और सारी चीज़ें आपको समझनी है, जितने भी सेल हम पढ़ेंगे उसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी हैं, और ये सभी में आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है. उसका एनोड क्या होगा, उसका कैथोड क्या होगा, उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट्स क्या यूज़ कर रहे हो, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो रहे हैं, देन एनोड की रिएक्शन कौन सी हो रही है. ओके, देन कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड की रिएक्शन, देन नेट रिएक्शन. तो नेट रिएक्शन तो आपको पता ही है क्या करना है, दोनों को रिएक्शंस को ऐड कर देना है. एंड एट लास्ट आपको इसका सेल पोटेंशियल पता होना चाहिए. ये सारी चीज़ें अगर आपने एक शॉर्ट नोट बना लिया तो आपको सारी बैटरीज की सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी. ओके, एंड इन द केस ऑफ सेकेंडरी बैटरीज रिचार्जिंग की इक्वेशन, जो कि नेट रिएक्शन की रिवर्स होती है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है. आप वन बाय वन सारी बैटरीज का ऐसे आप एक नोट बना लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा. हालांकि लास्ट में मैं आपको एक फ्लो चार्ट दे दूंगा, जिसमें एक डायग्राम दे दूंगा, जिसमें सारे सेल्स की, सारी बैटरीज की, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, एनोड की रिएक्शन, ये सब लिखी होंगी. ये सारे जो बैटरीज हैं ये एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन को फॉलो करते हैं. मीन्स रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा. जैसे कि आपको पता है एनोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, कैथोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर रिडक्शन की रिएक्शन होती है.
तो जब हम ड्राई सेल की बात करते हैं या लैकलेंसेस सेल की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें एनोड क्या है। तो एक्चुअली ये ड्राई सेल जो डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें आप देखोगे कि ड्राई सेल में एक जिंक का कंटेनर है जो कि जिंक खुद एक एनोड का काम करेगा, ओके। एंड इस जिंक के चारों तरफ पेस्ट लगा हुआ है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, क्लियर हुआ। तो एक तो ये पॉइंट है, देन उसके बाद तो हमारा जो एनोड होगा वो क्या हो जाएगा, जिंक का कंटेनर, जिंक हमारा एनोड हो गया। देन उसके बाद इसमें कैथोड क्या लगेगा, कैथोड आपको पता है इसमें एक बीच में रॉड होती है ब्लैक कलर की, आप सभी ने इस सेल देखा होगा अपने घरों में, इसको कभी आप फोड़ के देखिए जब आप ख़राब हो जाता है सेल, इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि एक ब्लैक कलर के बीच में रॉड होती है जिसको ग्रेफाइट रॉड या कार्बन की हम रॉड बोलते हैं, जो कि कैथोड होगा। तो कार्बन की रॉड या फिर इसको आप ग्रेफाइट कह सकते हो, ग्रेफाइट हमारा कैथोड होगा, क्लियर हुआ, ओके, कोई कन्फ्यूजन। अब इसमें एक खास बात क्या है कि ये जो कार्बन रॉड है इट इज़ सराउंडेड बाय ब्लैक पेस्ट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर। तो ये जो आपको डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा कि इस ग्रेफाइट रॉड के चारों तरफ क्या है, MnO2 और कार्बन का पाउडर उसके चारों तरफ लगा हुआ है, क्लियर। तो इसमें जितने भी यहाँ पर आप इलेक्ट्रोलाइट्स लिखोगे उसमें एक तो MnO2 आ जाएगा, ZnCl2 का भी आप इस्तेमाल कर रहे हो इसमें, ओके, NH4Cl2 भी है, ये सब इसके इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाते हैं, क्लियर। अब आते हैं हम एनोड की रिएक्शन क्या है, एनोड क्योंकि जिंक है तो Zn+2 इलेक्ट्रॉन, आप इसको पूरी इक्वेशन को लिखेंगे तो Zn gives out Zn2+2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एनोड है, एनोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और यही इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है उसमें हम उसको एक गेन होते दिखा देंगे। तो हमारी कैथोड की रिएक्शन है 2NH4+Aqueous+2MnO2+2 इलेक्ट्रॉन gives out 2MnO, इसको इस थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा, मैं साइड नीचे लिख देता हूँ, ओके। तो ये हो जाएगा 2MnOOH+2NH3, ये होगी आपकी कैथोड की रिएक्शन। तो ये एनोड की रिएक्शन और ये कैथोड की, 2NH4+2MnO2+2 इलेक्ट्रॉन gives out 2MnOOH+2NH3। तो जो दो इलेक्ट्रॉन एनोड पे निकले थे वही दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ कंज्यूम हो गए, क्लियर। अब नेट रिएक्शन क्या होगी, इन दोनों को आप सम कर देंगे तो हमारी नेट रिएक्शन बन जाएगी, नेट रिएक्शन होगी Zn+2NH4+2MnO2 gives Zn2+2MnOOH+2NH3, इन दोनों को ऐड करते ही हमारी नेट रिएक्शन तैयार हो जाती है। और इसका जो सेल पोटेंशियल होता है, इसका सेल पोटेंशियल हालांकि वेरिएबल है पर हम 1.5 वोल्ट मान के जनरली चलते हैं, 1.2 से 1.5 वोल्ट की इसकी रेंज होती है। तो ये जो शॉर्ट नोट आपने बनाया ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लैकलेंसेस सेल या ड्राई सेल रख रहा है। तो क्या क्या करना है, जिंक क्या है इसमें, जिंक कंटेनर, ठीक है, ग्रेफाइट रॉड आपकी कैथोड है, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स में ये सारे आ जाएंगे, देन एनोड की रिएक्शन, देन कैथोड की रिएक्शन, देन नेट रिएक्शन, देन सेल पोटेंशियल। सम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जाननी ज़रूरी है कि ये लीक क्यों कर जाते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर रिएक्शंस अगर आप देखो तो एनोड पे आपको साफ साफ दिख रहा है ऑक्सीडेशन, Zn से Zn2+, और अगर आप रिएक्शन कैथोड की देखिए तो मैग्नीज यहाँ पर +4 स्टेट से शिफ्ट कर रहा है +3 स्टेट पे, ओके, MnOOH, तो Mn O-2 होता है, OH-1 होता है, तो इसके हिसाब से अगर आप Mn की स्टेट निकालोगे तो +3 आएगा, ठीक है। तो अमोनिया जो इस रिएक्शन में निकल रहा है, ये अमोनिया जो होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अमोनिया जैसे ही लिब्रेट होता है तो ये एक गैस के फॉर्म में लिब्रेट होता है, और ये Zn2+ जो यहाँ से निकल रहा है, इस Zn2+ के साथ और Cl- जो आपने यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड लगाया हुआ है या जिंक क्लोराइड लगाया हुआ है, तो इसका Cl-, Zn2+ और अमोनिया ये मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसको हम बोलते हैं Zn(NH3)2 Cl2, ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और यही कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से ये सेल लीक कर जाता है, ओके। बट नाउडेज क्या हो रहा है कि लीक प्रूफ सेल्स बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए हम, वैसे क्या होता था पुराने समय में जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग जो ड्राई सेल खरीदते थे उसके चारों तरफ एक सिंपल से कार्डबोर्ड का या छोटे से दफ्ती का कवर होता था तो वो लीक कर जाते थे।
बट nowadays स्टील की प्लेटिंग कर दी जाती है या आयरन की प्लेटिंग कर दी जाती है जिससे कि वो लीक ना करें. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्राई सेल और लेक्लांसी सेल. वन मोर थिंग कि क्योंकि इसमें आयंस का इन्वॉल्वमेंट है और ये आयंस की कंसंट्रेशन लगातार घटती रहेगी, इसलिए ये जो सेल होता है ये धीमे धीमे इसकी पोटेंशियल घटने लगती है. मीन्स बिफोर डेड ये कुछ ना कुछ काम करेगा. इसीलिए आपने देखा होगा आपके जो वॉल क्लॉक होती है वो सेल अगर ख़त्म भी होने लगता है फिर भी रुक रुक के चलती है, सडनली ड्रॉप नहीं होता, ये रुक रुक के चलेगा और स्लो होते 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 ख़त्म होगा क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगती है आयन की. ओके, सो मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मर्करी सेल. ओके, तो ये सारी चीज़ें तो सेम आपको मैंने बताई, हर सेल में क्या ध्यान रखना है, एनोड कैथोड ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है. अब है हमारा दूसरा पॉइंट, दैट इज मर्करी सेल. मर्करी सेल या इसको हम बटन सेल के नाम से भी जानते हैं, इसका भी डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहा होगा. बटन सेल या मर्करी सेल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो स्मॉल साइज़ के होते हैं उनमें जनरली हमारे जैसे हमारी रिस्ट वॉच में या लेज़र लाइट में या बहुत सारे हीयरिंग एड्स में, इन सब में आपको जो छोटे से बटन के जैसे सेल्स दिखाई पड़ते हैं उन्हीं को मर्करी सेल या बटन सेल का नाम देते हैं. ओके, अब इसमें एनोड क्या होगा, इसमें एमलगमेटेड जिंक जो होगा वो हमारा हो जाएगा एमलगमेटेड जिंक, ये हमारा हो जाएगा एनोड. ओके, एमलगम क्या होता है, एमलगम एक तरह का एलॉय है जिसमें मर्करी के साथ मिला के एलॉय बनाया जाता है. ओके, तो जिंक एमलगमेटेड जिंक जो है वो हमारा एनोड होगा और जो हमारा कैथोड होगा वो पेस्ट ऑफ HgO होगा, पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड और इसके साथ साथ यहाँ पे कार्बन भी होगा, पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड कार्बन, तो ये हो जाएगा कैथोड. नाउ रिएक्शंस इसके अलावा इसमें हमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी लगाने हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हमारा दूसरा होगा इलेक्ट्रोलाइट जिंक ऑक्साइड, तो KOH एंड जिंक ऑक्साइड ये हमारे हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट. नाउ इनकी रिएक्शंस, तो एनोड पे क्या, क्योंकि जिंक एमलगमेटेड जिंक हमारा एनोड है तो एमलगमेटेड जिंक ये क्या करता है, टू OH- के साथ रिएक्शन करके ZnO बनाएगा और यहाँ से वाटर बना के टू इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा. ओके, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ये कैथोड पे कंज्यूम होंगे, तो कैथोड की रिएक्शन क्या हो जाएगी, HgO प्लस H2O प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Hg प्लस टू OH- एंड नेट रिएक्शन सिंपल, क्या करना है इनको ऐड करना है, तो amalgamated जिंक प्लस HgO सॉलिड गिव्स आउट ZnO सॉलिड प्लस Hg जो कि लिक्विड स्टेट में होगा, तो ये हमारी नेट रिएक्शन बन जाएगी. ओके, तो ये तो होगी नेट रिएक्शन. नाउ अब आता है इसका सेल पोटेंशियल, तो इसका सेल पोटेंशियल जो होता है 1.35 वोल्ट का होता है. अब ये बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है जो आपने यहाँ पढ़े अभी, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट ये सब, इसके अलावा एक इसकी खास बात ये है कि इसकी जो लाइफ है इस जब ये डेड होता है तो सडन डेड होता है. डेड होने का मतलब कि जब इसकी लाइफ पूरी तरह से ख़त्म होगी तो पूरी तरह से ख़त्म होगा. ये ड्राई सेल की तरह नहीं है, लेक्लांसी सेल की तरह नहीं है कि पहले ये स्लो होगा फिर ख़त्म होगा. ओके, तो ये सडन ड्रॉप होती है, आपके NCERT में मेंशन है कि इसमें सडन डेड होता है ये सेल. और सडन डेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें किसी भी रिएक्शन में आयंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. इसका मतलब कंसंट्रेशन घटने का कॉन्सेप्ट जो हमने आपको ड्राई सेल में बताया था वो इसमें अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ड्राई सेल में कंसंट्रेशन घट रही थी आयंस की, जिसकी वजह से हमें ये समझ में आ रहा था कि कंसंट्रेशन जैसे जैसे घटती जाएगी वैसे वैसे सेल की रिएक्शन स्लो होती जाएगी और पोटेंशियल कम हो जाएगा. लेकिन जब यहाँ पे आयंस का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इस इन पूरी रिएक्शंस में, तो इसकी वजह से इसमें सडन जो डेथ का कॉन्सेप्ट है कि ये सडनली डेड होता है, ये स्लो होके नहीं ख़त्म होता. तो ये एक नंबर का क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखिएगा. क्या मैंने बताया कि इसकी सडनली ये डेड हो जाता है, ये स्लो होके नहीं डेड होता है क्योंकि इसमें आयंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ओके, जहाँ भी आयंस का इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ पर आपको इसी समझ में आना चाहिए कि जैसे साइंस के कंसंट्रेशन घटेगी वैसे वैसे वो स्लो होते होते, लो उसका पोटेंशियल होते होते वो डेड होगा. क्लियर, अब हम मूव करते हैं, ये तो दो हो गए हमारे प्राइमरी बैटरीज, अब हम सेकेंडरी बैटरीज की तरफ चलेंगे. सेकेंडरी बैटरीज में भी यही सारे कॉन्सेप्ट हैं, हमें एनोड कैथोड ये सब पता होना चाहिए. तो नेक्स्ट इज
सेकेंडरी बैटरीज, फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ सेकेंडरी बैटरीज कौन सी होती हैं, ऐसी बैटरीज जो कि रिचार्ज हो सकती हूँ, ओके, ऐसी बैटरीज जो रिचार्ज हो सकती हूँ उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी बैटरी। तो हमारा पहला होगा लेड स्टोरेज बैटरी, जो हमारी पहली बैटरी है ये लेड स्टोरेज बैटरी है। लेड स्टोरेज बैटरी काफ़ी कॉमन है, लगभग सभी के घरों में ये इस्तेमाल होती है। लेड स्टोरेज बैटरी हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी आज की नीड है, जब कभी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है तो हम इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टर, इन्वर्टर की बैटरी सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, ओके। इसके अलावा और भी बहुत सी जगह, जैसे हमारे कार की बैटरी हो गई, ओके, हमारे बाइक्स की, ऑटोमोबाइल्स में इसका इस्तेमाल होता है, तो ये हो जाएगी लेड स्टोरेज बैटरी। अब बात करते हैं कि इसके भी डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहा है, उसमें आपको सब कुछ दिखाई पड़ रहा होगा कि एनोड कौन सा, कैथोड कौन सा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एनोड क्या है? ग्रिड ऑफ लेड, लेड की ग्रिड, ग्रिड का मतलब वही प्लेट्स कह सकते हो, लेड की ग्रिड, ये एनोड होगी। और जो हमारा कैथोड होगा वो लेड ऑक्साइड की ग्रिड, ग्रिड ऑफ लेड ऑक्साइड जो होगा हमारा PbO2, ये हमारा कैथोड हो जाएगा। तो यहाँ क्या था, Pb लेड, ये हमारा एनोड है, और कैथोड है हमारा PbO2, ओके, लेड ऑक्साइड। ये हमारी दो तरह की प्लेट्स होती हैं जो अल्टरनेट अरेंजमेंट में इमर्ज्ड होती हैं, किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट में। और इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होगा, 38% का H2SO4, ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, ओके। इसकी डेंसिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेंसिटी 1.30 ग्राम पर ml, ये इस डेंसिटी का होना चाहिए। अगर इसकी डेंसिटी उस पूरे सॉल्यूशन में घटती है, इसका मतलब है कि हमारी बैटरी रिचार्ज होने को मांग रही है, मीन्स हमें उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर 1.3 ग्राम पर ml से इसकी कंसंट्रेशन घट जाती है तो अब आती है रिएक्शन एनोड की, कि एनोड पे क्या होता है। तो एनोड की रिएक्शन के लिए, क्योंकि लेड जो हमारा है ये हमारा एनोड है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो लेड जो होगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ है, तो वो सल्फेट जो लेड होगा हमारा, वो क्या करेगा, सल्फेट के साथ रिएक्शन करके PbSO4 बनाएगा और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। तो ये हमारी एनोड की रिएक्शन हो गई, क्लियर। तो एनोड की रिएक्शन में क्या बना, PbSO4, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लॉस्ट हुए। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड उसको गेन करेगा, और कैथोड क्या है, PbO2। तो PbO2 की रिएक्शन जब होगी तो ये भी वह बनाएगा PbSO4, और जब PbSO4 ये बना लेगा, ये मैं रिएक्शन पहले लिखूँ तब आपको बताता हूँ, PbSO4+2H2, तो ये रिएक्शन आपकी कैथोड की रिएक्शन होगी। दोनों में ही देखिए PbSO4 बन रहा है, क्लियर। अब आती है इसकी नेट रिएक्शन, तो ये तो एनोड की हो गई, ये कैथोड की हो गई। नेट रिएक्शन क्या करना होता है, दोनों को सम करना होता है। पीबी जो एक्स्ट्रा दोनों साइड होते हैं उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, जिससे कि हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन मिले, +2H2SO4। ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों, 4H प्लस आयन है और 2SO4 2 माइनस आयन है, तो 2H2SO4 बन जाएगा, क्लियर। एंड इट गिव्स आउट 2PbSO4। कैसे बनती है नेट रिएक्शन, दोनों रिएक्शंस को ऐड करने से बनती है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो हमसे। तो ये तो होगी नेट रिएक्शन, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 गिव्स आउट 2PbSO4 प्लस 2H2, दिस इज नेट रिएक्शन। अब बात करते हैं इसके पोटेंशियल की, तो इसकी पोटेंशियल वैरी करती है। ये 6 वोल्ट से 12 वोल्ट तक की बैटरी होती है। इट डिपेंड्स कि आप कितनी सेल की सीरीज़ बना रहे हो, क्योंकि बैटरी आपने पढ़ा है कि ये सीरीज़ होती है, गैल्वेनिक सेल्स की सीरीज़। अगर कई सारे गैल्वेनिक सेल एक साथ जुड़ जाते हैं सीरीज़ में, तो वो बनाती हैं बैटरीज। तो इसमें 6 वोल्ट से 12 वोल्ट तक की बैटरी बनती है। अगर आप नंबर ऑफ, जैसे आपके घर में जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसमें 6 सेल लगे होते हैं, ओके, और 12 वोल्ट की होती है, तो इस हिसाब से जितने भी सेल्स एक साथ आप कनेक्ट करोगे उसके हिसाब से उसका वोल्टेज हो जाएगा। तो ये वेरिएबल होता है, ओके। इसमें वन मोर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता है कि इसकी रिचार्जिंग की इक्वेशन बताइए। रिचार्जिंग की इक्वेशन मतलब किस इक्वेशन के हिसाब से आप ये बताओ कि रिचार्ज हो रही है। तो जब भी ऐसी बैटरीज़ को आपको रिचार्ज करना होता है, आपको क्या करना होता है, एक अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक सुटेबल वोल्टेज की करंट इसके अंदर देनी होती है, जिससे कि रिचार्ज हो जाता है। जैसा कि हमारा इन्वर्टर करता है, क्या करता है कि जब आप इलेक्ट्रिक ऑन करते हैं वो प्लग लगा के, तो वो एक अपोजिट पोटेंशियल उसमें अप्लाई करता है, जिसकी वजह से वो रिचार्ज होती है। और रिचार्ज की इक्वेशन जस्ट नेट इक्वेशन की रिवर्स होती है। आपको जब भी इक्वेशन पूछा जाएगा
तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये नेट रिएक्शन याद है तो आप इसी को रिवर्स करके लिखेंगे तो ये आपकी हो जाएगी रिचार्जिंग की इक्वेशन। ओके, तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ रिचार्जिंग। तो बहुत सारे टॉपिक्स इसमें पूछे जाते हैं आपको, सब लगभग सारे टॉपिक्स मैंने बता दिए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा निकल कैडमियम बैटरी। ओके, तो मुझे लगता है सब समझ में आ गया होगा। आपको नहीं समझ में आया है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप, या फिर इसको रिमाइंड करके भी देख सकते हैं, एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं आप। तो अगली जो हमारी हेडिंग है, दैट इज़ निकल कैडमियम बैटरी। नाउ निकल कैडमियम बैटरी हैज़ वन डिसएडवांटेज, एंड दैट डिसएडवांटेज इज़ कि दैट इट इज़ लिटिल कॉस्टलियर। ये थोड़ा सा कॉस्टली होती है, तो ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है और इस वजह से थोड़ा ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। पर इट हैज़ सम एडवांटेजेस आल्सो। ये स्मॉलर होता है और बहुत लाइटर होता है, बहुत हल्के होते हैं और बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं। इसी वजह से इनको हम पोर्टेबल या कॉर्डलेस अप्लायंसेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एनोड विच इज़ ऑफ कैडमियम एंड निकल ऑक्साइड एज कैथोड। तो हमारा इसमें एनोड हो जाएगा कैडमियम, कैडमियम इज द एनोड, एंड NiO2 इज द कैथोड। ग्रिड ऑफ कह सकते हो आपकी NiO2 की ग्रिड होती है। और इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होगा इसमें, पोटेशियम की हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रोलाइट। ओके, नाउ एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, सिंपल आपको सब लर्न करना पड़ेगा, ऐसा कोई और रास्ता नहीं है। कैडमियम क्योंकि हमारा एनोड है तो ये इस रिएक्शन को परफॉर्म, ये डबल एरो हम इसलिए लगा रहे हैं, इससे पहले वाली लेड स्टोरेज में भी आप लगा सकते हो क्योंकि वो भी रिचार्ज हो जाती है रिएक्शन, इसलिए। तो CdO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी एनोड की। और कैथोड की रिएक्शन हमारी है NiOH होल थ्राइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एंड डबल एरो लगाइए चाहे सिंगल एरो लगाइए, रिचार्ज तो इसको भी होना ही है, उसी हिसाब से आप इसको समझ लीजिए, NiOH होल ट्वाइस प्लस 2OH माइनस। नाउ नेट इक्वेशन क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे, CD प्लस 2 NiOH होल थ्राइस गिव्स आउट CdO प्लस 2। तो साफ साफ लिख देते हैं, CdO प्लस 2 NiOH होल ट्वाइस प्लस 2H2। ओके, तो ये हो गई आपकी नेट रिएक्शन। अब बात करते हैं कि ये जो रिएक्शन, अगर इसमें रिचार्ज की इक्वेशन पूछी जाती है तो भी आपको क्या करना है, जैसे आपने लेड स्टोरेज में किया था, इस नेट रिएक्शन को जस्ट रिवर्स करना होगा। ओके, कोई कन्फ्यूज़न इसमें हो तो आप ज़रूर पूछेगा। सो रिचार्जिंग की इक्वेशन क्या करनी होगी, इसको रिवर्स करके लिख देंगे, अब वो रिचार्जिंग की इक्वेशन हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपका निकल कैडमियम बैटरी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं पूछते हैं, पर फिर भी पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको लर्न कर लेंगे। अब इसके बाद मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ जिसमें चारों बैटरीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन की हुई है, तो आप इसको यहाँ से देख लीजिएगा। ओके,